Assalamu alaikum, aspirants. Today we will discuss history of USA, a past paper 2016. So, first question discuss karte hain. The American Revolution was the child of enlightenment. American Inqilab ki bunyad jo hai wo roshan khayali thi. So, isko explain karna hai. The American Revolution is a child of the enlightenment. The American Revolution was deeply influenced by the ideas and values of the enlightenment. So this intellectual movement emphasized reasons, individual rights and the questioning of the traditional authority. यानी कि जो अमेरिकी इनकलाब है उसके ऊपर रोशन ख्याली के ख्यालात और इकदार का गहरा असर था और ये जो फिक्री तहरीक है ये अकल अनफरादी हकूक और रवायत इकदार के ऊपर जो है वो सवाल उठाने के ऊपर जोर देती थी ठीक है सो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रोशन ख्याली ने अमरीकी इनकलाब को मुतासर किया सो इंट्रोडक्शन देखते हैं टू द एनलाइनमेंट इन अमेरिकन रेवोल्यूशन तो रोशन ख्याली जो कि 17 और 18 सेंचुरी की एक जो है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है एक फिलोसफिकल मूवमेंट है एक फिक्री तहरीक है तो ये अकल साइंस और अनफरादी हकूक के ऊपर ये तहरीक जोर दे रही थी तो इट्स आइडियाज इंस्पायर्ड द अमेरिकन कॉलोनीज टू चैलेंज ब्रिटिश रूल इवेंचुअली लीडिंग टू द अमेरिकन रेवोल्यूशन इन द लेट 18 सेंचुरी इसके ख्यालात ने जो अमरीकी नौआबादियां थी उसको बरतानवी हुकूमत को चैलेंज करने की तहरीक दी ठीक है तो जिसके नतीजे में क्या हुआ कि 18 सेंचुरी के आखिर में अमरीकी इनकलाब बरपा हुआ सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि एनलाइनमेंट आइडियाज इन्फ्लुएंसिंग द रेवोल्यूशन के इनकलाब पर असर अंदाज होने वाले जो रोशन ख्याली के अहम आइडियाज अहम ख्याल क्या थे सो इसमें हम देखते हैं अनफरादी हकूक और आज़ादी को जो रोशन ख्याली के मुफक्किरीन हैं जैसे कि जॉन लॉक हैं उनका यह कहना था कि तमाम इंसानों के कुछ फितरी हकूक होते हैं यानी जिंदगी आज़ादी और उनके पास जो है प्रॉपर्टी रखने का हक होता है सो दिस बिलीफ मोटिवेटेड अमेरिकन कॉलोनीज टू डिमांड फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेसिव ब्रिटिश लॉज एंड टू एडवोकेट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट ये यकीन जो था इसने अमरीकी नौआबादियों को इस बात के ऊपर आमादा करता था कि वो बरतानवी कवानीन की सख्ती से आज़ादी और खुद हुकूमती की हमायत करें ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड गवर्नमेंट कंसेंट सो समाजी मुआहदे का जो कॉन्सेप्ट है जो तसव्वुर है जिसे कि यानी फलसफी थे जॉन जॉक रोसो उन्होंने ये पेश किया था और ये उनका ये कहना था कि हुकूमतों को अपनी ताकत अवाम की रजामंदी से हासिल करनी चाहिए सो इस तरह से अमरीकियों ने समझा कि बरतानवी हुकूमत जो है वो इस असूल की खिलाफवर्जी कर रही है क्योंकि उन्हें बरतानवी पार्लियामान में नुमाइंदगी नहीं दी गई थी ठीक है सो कोई टैक्स नहीं था बगैर नुमाइंदगी के सेपरेशन ऑफ द पावर्स नेक्स्ट पॉइंट है इख्तियारात की तकसीम सो जो मोंटेस्क्यू थे मोंटेस्क्यू की हुकूमती इख्तियारात को ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है उसने अमरीकी ख्यालात के ऊपर असर डाला और एक मुतवाजन निज़ाम हुकूमत को कैसे बनाया जाए इसने इसके ऊपर असर डाला सो इसने अमरीकी आइन की बुनियाद रखी विच सेपरेट्स पावर्स अमंग लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल जुडिशल ब्रांचेस जो कानून साजी इंतजामिया और अदा के इख्तियार को तकसीम करता है देन एनलाइनमेंट थिंकर्स हु इन्फ्लुएंस्ड द रेवोल्यूशन वो रोशन ख्याली मुफक्किरीन कौन थे जिन्होंने इनकलाब के ऊपर असर डाला तो उनमें थे जॉन लॉक लॉक के ख्याल जैसे फितरी हकूक और हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी ऐलान आज़ादी में मरकजी हसियत उनके ख्याल रखते हैं और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर मुफक्किर थे जॉन लॉक रोसो तो उसका समाजी मुआहदे का जो नजरिया था यानी अमरीकी जमहूरियत और शहरियों के किरदार के ऊपर वो असर अंदाज हुआ और इसके अलावा मोंटेस्क्यू थे मोंटेस्क्यू की जो इख्तियारात में बैलेंस था उसकी हमायत ने मुस्तकबिल की अमरीकी हुकूमत के स्ट्रक्चर को तश्कील देने में मदद की ठीक है सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं इसमें एनलाइनमेंट आइडियाज इन अमरीकन रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्स तो अमरीकी इनकलाबी दस्तावेजात में रोशन ख्याली के ख्याल तो इसमें है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ऐलान आज़ादी तो 1776 में तहरीर किया गया कि ऐलान आज़ादी जो है वो लॉक के फितरी हकूक के इख्तियार जो ख्यालात हैं उनको दोहराता है और इसके अलावा बरतानिया से अलहदगी का जवाब भी पेश करता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अमरीकी आयन तो 1789 में जो मंजूर शुदा यानी कि आयन रोशन ख्याली के असूलों को ये शामिल करता है जैसे कि इनफरादी हकूक हैं और इख्तियार की तकसीम है फिर जिससे एक ऐसी हुकूमत यकीनी बनाई जाती है जो अपने शहरों के लिए जवाबदेह हो सो इस क्वेश्चन को इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि जो एनलाइनमेंट है उसने अमरीकी इनकलाब के लिए नजरियाती बुनियाद फराहम की है जिससे नौआबादियों को आज़ादी हासिल करने में और इसके अलावा एक जमहूरी हुकूमत बनाने की उनको तरगीब मिली सो दिस लेगेसी ऑफ द फ्रीडम राइट्स एंड सेल्फ गवर्नेंस बिकेम सेंट्रल टू अमरीकन आइडेंटिटी एंड इंस्पायर्ड अदर मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड
ये जो आज़ादी थी, हकूक और खुद हुकूमती का ये विरसा, ये अमरीकी शनाख्त का हिस्सा बन गया और पूरी दुनिया में बाकी तहरीकों के लिए भी तहरीक का बायस बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस इन डिटेल द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द पीपल एंड सोसाइटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन इस तरह से है कि अमरीका की आवाम और मौशियत के ऊपर अजीम जो मौशी बहरान था, उसके असबाब क्या हैं और असरात क्या हैं। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ सीवियर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस। जो ग्रेट डिप्रेशन था, अजीम मौशी बहरान, एक शदीद आलमी इक्तसादी बहरान था जो कि 1929 में अमेरिका में शुरू हुआ था और 1930 तक की दहाई तक ये जारी रहा, और इसने अमरीकियों की जो है जिंदगियों के ऊपर काफ़ी गहरे असरात मुरतब किए और अमरीकी माशरे को भी तब्दील कर दिया। सो अब हम इस ग्रेट डिप्रेशन के वजूहात को, इसके असबाब को डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जो इस बहरान की वजह बनी। तो 29 अक्टूबर 1929 को, जिसको जो है कहा जाता है ब्लैक ट्यूजडे, तो इसे अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद इसकी गिरावट आई थी जिससे बड़े माली नुकसान हुआ था। सो लोगों ने ज्यादा मुनाफा की उम्मीद में जो है वो भारी कर्जे लिए थे और भारी कर्जे लेकर स्टॉक्स में सरमायाकारी की, जिससे फिर एक जो है वो एक यानी कि बहरान पैदा हुआ था, एक फाइनेंशियल बबल पैदा हुआ जो फिर आखिरकार जो है फट गया। सो उसके बाद जो है दूसरी वजह हम यानी कि देखते हैं जो कि है बैंक फेलियर्स, यानी बैंकों का दिवालिया होना। तो दूसरी वजह थी ये ग्रेट डिप्रेशन की कि कई बैंकों ने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की थी और जब ये क्रैश हुआ था तो इन बैंकों ने भी बड़े नुकसान उठाए और दिवालिया भी हो गए। ठीक है, तो बैंकों के दिवालिया होने से लोगों की जो सेविंग्स थी वो वेस्ट हो गई थी और बैंकिंग के निज़ाम के ऊपर आवाम का एतमाद भी खत्म हो गया। उसके बाद तीसरी हम वजह डिस्कस करते हैं, रिडक्शन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, के सार्फिन के अखराजात में कमी। तो बैंकों के नाकाम होने और मुलाजमतों के ख़त्म होने से लोगों ने गैर जरूरी अशिया के ऊपर खर्च करना कम कर दिया था। सो इसकी वजह से जो है जब अखराजात में कमी हुई तो इस कमी से पैदावार में भी कमी हुई, जिससे मजीद मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला गया और बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ। देन डिक्लाइन इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद इसकी वजह थी आलमी तजारत में कमी, यानी आलमी तजारत में भी कमी हो गई और अमरीकी हुकूमत ने अपने संतों के तहफ़ के लिए दरामदाद के ऊपर टैक्स लगा दिए। ठीक है, फिर जिससे तजारती जंगों का आगाज हुआ। सो अदर कंट्रीज रिटेलिएटेड विद अदर ऑन टैरिफ्स, रिजल्टिंग इन अ स्टीप ड्रॉप इन ग्लोबल ट्रेड हार्मिंग यूएस एक्सपोर्ट। तो दीगर जो ममालिक थे उन्होंने भी जो है जवाबी टैक्स लगाए, जिसके नतीजे में आलमी तजारत में शदीद कमी आई और अमरीकी बरामदात को नुकसान पहुंचा। ठीक है, और अमरीकी मौशे के ऊपर जो है वो ग्रेट डिप्रेशन के हम अब असरात, इसके इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो इसके इफेक्ट्स क्या रहे, बड़ी सतह के ऊपर बेरोजगारी फैली। ठीक है, इस बहरान की वजह से। सो इस बहरान के अरूज के ऊपर अमरीका में बेरोजगारी की जो शरह थी वो तकरीबन 25% तक पहुँच गई थी और बहुत से लोग जो थे वो अपने घरों से महरूम भी हो गए थे और शहरों के अंदर जो है वो होवरलीज यानी के होवरवेल्स सदर होवर के नाम से मंसूब एक यानी के बस्तियां थी जो बन गई थी। और उसके बाद फिर इसका असरात और क्या रहे कि गुर्बत और भूख का फैला हुआ, गुर्बत और भूख फैली तो जो है वो इनकम ना होने के बायस खानदानों को खुराक और जो कपड़े जैसी बुनियादी जरूरियात हैं इनको भी पूरा करने में मुश्किल पेश आई थी। ठीक है, सो इसकी वजह से जो सूप किचन और इसके अलावा ब्रेड लाइन्स थे वो आम हो गए थे, जिससे फलाई इदारे भूख की मदद करते थे। देन साइकोलॉजिकल इफेक्ट, फिर हम इसके जो है इस बहरान के नफसियाती असरात को डिस्कस करते हैं। तो अचानक गुर्बत और तहफ़ की कमी ने आवाम में शदीद दबाव, डिप्रेशन और इसके अलावा उनके अंदर होपलेसनेस यानी नाउम्मीदी भी पैदा की। तो बेरोजगारी और माली मुश्किल के पेश नज़र लोगों ने अमरीकी ख्वाब पर से एतमाद यानी कि खो दिया और ख़ानदानी जिंदगी में भी तब्दीलियाँ आई। ठीक है, तो चेंजेस इन फैमिली लाइफ, इक्तसादी अदम इस्तेकाम की वजह से लोगों ने शादी और बच्चों की पैदाइश को उन्होंने मुअख्खर कर दिया, जिससे खानदान छोटे हो गए। तो वेमेन एंड चिल्ड्रन एंटर्ड द वर्कफोर्स इन लार्जर नंबर्स टू हेल्प सपोर्ट देयर फैमिलीज। तो खवातीन और बच्चे अपने खानदान की मदद के लिए भी बड़ी तादाद में वो काम करने लग गए थे। देन माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसके अलावा इस बहरान का क्या इफेक्ट रहा कि बड़ी तादाद में लोगों ने हिजरत की और बहुत सारे लोग बेघर भी हुए। सो वस्त मगरबी रियासतों में कहत साली, जैसे कि डस्ट बाउल उसको भी कहा जाता है, तो ये आया और ज़रूरी ज़मीनों को तबाह कर दिया और हालात इससे फिर मजीद संगीन हो गए। खासतौर पर जो है रियासत थी ओक्लाहोमा,
ओक्लाहोमा जैसी रियासतों से किसान मगरबी इलाकों जैसे कि कैलिफोर्निया में रोजगार की तलाश में वो हिजरत करने लगे थे, ठीक है, मगर वहाँ उन्हें काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। सो अब हम डिस्कस करते हैं हुकूमत और मईशत के ऊपर इसके तवील मुद्दती असरात को, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट इम्पेक्ट क्या रहे गवर्नमेंट और इकॉनमी के ऊपर। सो न्यू डील रिफॉर्म्स यानी कि जो न्यू डील असलाहत की गई, सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने न्यू डील का आगाज किया जिसने मुलाजमतें फराम की और रिलीफ भी फराम किया, और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी और बेरोजगारी इंश्योरेंस जैसे जो प्रोग्राम थे वो भी शुरू किए गए थे और ताकि आइंदा बहरानों के लिए एक सिक्योरिटी नेट फराम किया जा सके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं इंक्रीज गवर्नमेंट रोल, हुकूमत के किरदार में भी इजाफा हुआ, यानी हुकूमत ने मुस्तकबिल में बहरानों से बचने के लिए मईशत में ज्यादा फाल किरदार अदा करना शुरू किया, ठीक है, और बैंकिंग जो बैंकारी थी, बैंकारी असलाहत और जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन था इसी इसका क्या अमल में आया था ताकि मालियाती निज़ाम को स्टेबल किया जा सके। अब हम देखते हैं शिफ्ट इन अमरीकन वैल्यूज, कि अमरीकी जो इकतदार में क्या तब्दीलियाँ आई, तो अमरीकी अवाम ने जो है वो ज्यादा कुफैत चार इख्तियार की और मुस्तकबिल के बहरानों से बचने के लिए कर्जों से भी कर्ज लेने से भी उन्होंने परहेज किया, ठीक है। सो देयर वाज अ ग्रोइंग सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन, सो मौशी इस्तेकाम और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के किरदार की हमायत में भी इजाफा हुआ, ठीक है। सो इस ग्रेट डिप्रेशन के वजूहत को हमने डिस्कस किया, इसके असरात को डिस्कस किया, हम इसको इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन है अमरीकी तारीख के मुश्किल तरीन दोरों में से ये एक था और जिसने आवाम को बड़ी सतह के ऊपर तकलीफ दी और अमरीकी मुआशे में भी तब्दीलियाँ दी, ठीक है, और इसके असरात जो थे हुकूमत की पॉलिसियों, इसके अलावा मुआशी तरीकों और अमरीकी आवाम की सिक्योरिटी और इस्तेकाम के बारे में रवैयों के ऊपर काफ़ी तवील मुद्दती असरात छोड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं हाउ अर्बन लाइफ वॉज इफेक्टेड इन यूएसए ड्यूरिंग फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन है कि अमरीका में पहली दो सनती मरहल के दौरान शहरी जिंदगी किस तरह मुतासर हुई। तो अमरीका में पहली जो दो सनती मरहल था उसके दौरान शहरी जिंदगी कैसी थी, अमरीका में सनती तरक्की को इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें टाइम पीरियड क्या था कि अमरीका में सनती तरक्की के पहले दो मरहल तकरीबन 18 सेंचुरी के आखिर से 19 सेंचुरी के आखिर तक जारी रहे, और इसका इम्पेक्ट क्या है, तो इन मरहल ने शहरों को बदल कर रख दिया और जो दही इलाके थे उनसे लोगों को शहरों की तरफ खींचा और नए सामाजिक इक्तसादी जो स्ट्रक्चर भी कायम किए। देन फर्स्ट स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट 18 टू मिड 19 सेंचुरी, ठीक है, सनती तरक्की का जो पहला मरला था वो 18 सेंचुरी के आखिर से 19 सेंचुरी के वास्त तक था। तो इसके अंदर जो है अहम सनते थी, कौन सी सनते थी, कपड़ा साजी की सनत थी इसके अंदर और बुनियादी मसनूआत की सनतें थी, ये पहली बड़ी सनतें थी जो पानी की कुवत से चलती थी। और उसके बाद फिर इसमें अर्बन ग्रोथ क्या थी, शहरी तरक्की, तो दरियाओं के करीब जो वाकई शहर थे उनमें तेजी से इजाफा हुआ क्योंकि फैक्ट्रियों को पानी की ताकत और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत थी। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के मौके बढ़े, फैक्ट्रियों ने कई मुलाजमतें पैदा की जिसने जो है वो दही इलाकों से लोगों को शहरों में आने के ऊपर मजबूर किया, मगर उनकी जो यानी कि वेजेस थे, उजरतें थी, वो कम थी। लिविंग कंडीशंस कैसी थी, तो रैपिड अर्बन ग्रोथ लीड टू ओवर क्राउडिंग विद मैनी लिविंग इन पुअर एंड क्रैम्प्ड हाउसिंग, तो तेजी से शहरी तरक्की के बायस शहरों में जो है वो आबादी बढ़ गई थी जिसके नतीजे में लोग जो है वो तंग और गैर मियारी मकानात में रहने के ऊपर मजबूर हो गए। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं अर्बन एरियाज में सोशल चेंजेस को, कि शहरी इलाकों में सामाजिक तब्दीलियां क्या आई। तो फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आई, जो रवायती यानी कि एक स्ट्रक्चर था वो तब्दील होने लगा था क्योंकि मर्द औरतें और यहाँ तक के बच्चे भी फैक्ट्रियों में काम करते थे। और उसके बाद उनकी कम्युनिटी लाइफ कैसी थी, कम्युनिटी ज़्यादा जो है वो डाइवर्स हो गई थी क्योंकि जो तारकीन वतन थे वो काम करने के लिए आते थे, मगर इससे अक्सर सामाजिक तनाव भी पैदा होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन मिड टू लेट 19 सेंचुरी, सनती तरक्की का जो दूसरा मरला था वो 19 सेंचुरी के वास्त से आखिर तक था। इसमें जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी कि जो स्टीम पावर की ताकत ने पानी की ताकत की जगह ले ली थी जिससे फैक्ट्रियां शहरों में भी फैलने लगी। और उसके बाद फिर जो है वो ग्रोथ हुई रेल रोड्स की, तो रेलवेज की तेजी से तरक्की ने भी शहरों को जोड़ा और नए तजारती रास्ते बने, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज की भी एक्सपेंशन हुई, इंडस्ट्रीज जो थी वो तेजी से फैली, अमरीकी फैक्ट्रियों और मजीद जो मुलाजमतें थी उनके मौके भी पैदा हुए। देन अर्बन प्रॉब्लम, फिर हम देखते हैं कि शहरी मसाइल में भी इजाफा हुआ,
शहर की आबादी में इजाफा हुआ, जिससे रिहाइश की कमी हुई मजीद शदीद हो गई और कच्ची बस्तियां भी शहर में बनने लगी थी। उसके बाद सेहत के मसाइल भी बढ़ गए थे। गुंजान आबादी वाले जो इलाके थे उनमें नाके सफाई की वजह से जो है वो ये बीमारियाँ फैलने लगी थी, जिस तरह से कलोरा है, टाइफाइड की बीमारी है, तो इनके फैलाव में इजाफा हो गया। और उसके बाद जराइम और गुर्बत में भी इजाफा हो, गुर्बत की बुलंद शरह ने जराइम में इजाफे की जो वजह बनी और शहरों में महदूद वसाइल की वजह से इन मसाइल को हल करना मुश्किल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इमरजेंस ऑफ द अर्बन रिफॉर्म्स, शहरी असलाहत का आगाज हुआ। मजदूर तहरीकें चली, मजदूरों ने जो है वो बेहतर उजरत के लिए और काम के हालात के लिए जो है वो नजम होना शुरू किया, जिससे इब्तदाई मजदूर यूनियंस का भी आगाज हुआ था। शहरों ने शहरियों की बढ़ती हुई जो है जरूरत को पूरा करने के लिए पुलिस फोर्स, सफाई और बिल्कुल सरकारी तालीम जैसी अवामी खिदमात का भी आगाज किया। ठीक है, सो इसका ट्रांसफार्मेटिव इम्पैक्ट क्या रहा, तो सनती तरक्की के जो पहले दो मरहल थे उन्होंने अमरीकी शहरियों की जिंदगी को जो है एक यानी ड्रामाई अंदाज में बदल दिया और अमरीकी शहरों की बुनियाद रखी, लेकिन उसे ऐसे समाजी मसाइल भी प्रोड्यूस हुए जिनके हल के लिए मजीद असलाहत की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट फैक्टर्स लीड ब्लैक्स टू स्टार्ट द सिविल राइट्स मूवमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ द कोर्ट एंड स्टेट्स इन गिविंग राइट्स टू द ब्लैक्स। किन अवामिल ने सियाह फाम अमरीकियों को सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू करने के ऊपर मजबूर किया और अदालतों और रियासत ने सियाह फामों को हकूक देने में क्या किरदार अदा किया। ठीक है, सो सिविल राइट्स मूवमेंट के असबाब हम डिस्कस करते हैं। सो फैक्टर्स लीडिंग ब्लैक्स टू स्टार्ट द सिविल राइट्स मूवमेंट, तो सियाह फाम अमरीकियों को जो अवामी मकामात थे, स्कूल थे और नकल हमल में अलहदगी कवानीन का सामना था जो उनकी आज़ादी और मसावत को सख्ती से जो है वो महदूद करता था। उसके बाद मुआशी लिहाज से भी फ़र्क था कि सियाफा मजदूरों को कम मुलाजमत के जो है वो मौके मिलते थे और उनकी जो उजरतें थीं वो भी कम होती थी और उन्हें अक्सर अच्छी तनख्वाहों वाली जो मुलाजमतें थीं उनसे उनको बाहर रखा जाता था। वोटिंग राइट्स डिनाइड, वोट देने के हकूक से जो सियाफाम थे वो महरूम थे। कई रियासतों में सियाफाम अमरीकों को वोट देने से रोकने के लिए खानदगी का जो है वो टेस्ट, पॉलिटिक्स और बाकी जो हरबे थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, और उसके बाद जिससे उनके जो सियासी ताकत थी वो महदूद हो जाती थी। देन इंस्पायरेशन फ्रॉम वर्ल्ड वार टू, ब्लैक्स वेटरन्स हु फाउट फॉर फ्रीडम अब्रॉड रिटर्न्स टू डिस्क्रिमिनेशन एट होम, फ्रीडम डिमांड्स फॉर इक्वल राइट्स। और दूसरी जंग अजीम से तहरीक थी कि सियाफाम फौजियों ने बैरून मुल्क आज़ादी के लिए जो है वो जंग की, मगर वतन वापस आकर उनको काफ़ी जो है वो सलूक का इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा, जिससे मसावी हकूक के मुतालबात में शिदत आ गई। इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्ली एक्टिविटीज़, और इब्तदाई जो यानी कि कारकुनान थे उनका क्या असर था, तो लीडर्स थे जैसे कि WEB और इसके अलावा तंजीमें थी NAACP यानी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द कलर्ड, जो यानी कि तहरीकें थी एडवांसमेंट्स ऑफ द कलर्ड पीपल ने सियाह फामों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की थी, जिसने बड़ी अवामी तहरीकों की बुनियाद रखी। सो रोल ऑफ द कोर्ट्स इन सपोर्टिंग ब्लैक राइट्स, अदालतों का सियाह फामों के हकूक के हमायत में किरदार क्या रहा, तो अगर हम देखें ब्राउन यानी के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मुकाबले में 1954, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सरकारी स्कूलों में अलहदगी जो है वो गैर आइनी है, यानी जो सियाह फाम के साथ सरकारी स्कूलों में या फिर अवामी जो भी मकाम थे उनके ऊपर उनसे अलहदगी इख्तियार की जाती थी, उनके कवानीन में भी उनके हवाले से डिफरेंस मौजूद था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ये जो यानी कि इम्तियाजी सलूक है ये गैर आइनी है और स्कूलों में अलहदगी गैर आइनी है, तो अलहदा जो मगर मसावी के असूलों को मुस्तरद करते हुए इंटीग्रेशन के लिए रास्ता हमवार किया। ठीक है, द लीगल सपोर्ट्स फॉर सिविल राइट्स प्रोटेस्ट, और उसके बाद फिर अदालतों ने अक्सर सिविल राइट्स कारकुनान के एहतजाज करने के हक को तस्लीम भी किया और पुरमन मजारों के लिए कानूनी तहफ़ भी फराम किया। इसके अलावा वोटिंग राइट के केसेस थे कि सियाह फाम को जो है वोट देने का हक हासिल नहीं था, तो अदालतों ने मुख्तलिफ इम्तियाजी जो तरीके थे उनको ख़त्म कर दिया, जिससे सियाह फाम और अमरीकों के वोट देने के हक का भी तहफ़ बेहतर हुआ। रोल ऑफ द स्टेट इन एडवांसिंग ब्लैक राइट्स, सियाह फाम हकूक के फरोग में रियासत का क्या किरदार रहा, अदालतों के बाद तो सिविल राइट्स एक्ट आया 1964 के अंदर और इस वफाकी कानून ने अवामी मकामात के ऊपर अलहदगी पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, और रोजगार में इम्तियाजी सलूक को भी जो है वो गलत करार दे दिया, उसे मना कर दिया, जिससे कानूनी मसावत उनको फराम हुई। और उसके बाद वोटिंग का भी उनको हक दिया गया 1965, तो इस कानून ने खानगी के टेस्ट जैसे रुकावटों को ख़त्म कर दिया और ऐसे इलाकों में वफाकी निगरानी की इजाज़त दी जहाँ वोटर्स के साथ यानी फ़र्क होता था
जिससे सियाह फार्मों के वोटिंग में काफी इजाफा हुआ। फेडरल सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन, फिर यानी वफाकी अफवाज को बाजू का स्कूलों में इंटीग्रेशन को यकीनी बनाने के लिए भेजा गया, खासतौर पर इन इलाकों में जहाँ मकामी हुकूमतें मजामत कर रही थी। ठीक है, सो कम्बाइंड एफर्ट्स फॉर चेंज, यानी कि तब्दीली के लिए मुश्तरक कोशिशें की गई। सिविल राइट्स मूवमेंट सियाह फार्मों की बहादुरी और इस्तकामत से शुरू हुई थी जो इम्तियाजी सलूक का सामना कर रहे थे। सो वाइल द सपोर्ट ऑफ द कोर्ट्स एंड द फेडरल गवर्नमेंट्स हेल्प सिक्योर एसेंशियल लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शनिस्ट सो प्रोटेक्शंस, सो वाकई जो अदालतें थी और वाकई हुकूमत थी उनकी हमायत ने अहम कानूनी हकूक और तहफ़ुज़ात हासिल करने में जो है वो मदद फराहम की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय रोनाल्ड रीगन एंड हाउ दिस गवर्नमेंट डेल्ट विद द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो रोनाल्ड रीगन को किन मौशी मसाइल का सामना था और इनकी हुकूमत ने किस तरह मौशी बहरान का सामना किया। सो हम चैलेंजेस डिस्कस करते हैं कि किन जो है वो मुश्किलात का मौशी बहरान का उनको सामना था। तो रोनाल्ड रीगन को जो मौशी मसाइल दरपेश थे उनमें बहुत ज़्यादा अफरात ज़र थी, यानी कि 1981 में जब रीगन ने उहदा संभाला था तो अफरात ज़र तकरीबन 13% थी, जिसके बाद अशिया और खिदमत की जो कीमतें थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी और उसके बाद हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, यानी कि मईशत का साथ बाजारी का शिकार थी और इसके अलावा बेरोजगारी की शरह भी ज्यादा थी जिसकी वजह से कई अमरीकियों के लिए मुलाजमतें हासिल करना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, यानी मुआशी तरक्की जमूद का शिकार थी जिसकी वजह से पैदावार में कमी हुई और रोजगार के मौके भी महदूद हो गए। लार्ज फेडरल डेफिसिट, बड़ा वफाकी खसारा हुआ, हुकूमती अखराजात ज्यादा होने की वजह से बजट खसारा में इजाफा हो गया था जिसने कौमी कर्जे को बढ़ा दिया। देन रीगन इकोनॉमिक पॉलिसीज, और उसके बाद जो है रीगन की मुआशी पॉलिसियों को हम डिस्कस करते हैं। तो उनकी मुआशी पॉलिसियाँ क्या रही, उन्होंने टैक्स में कमी की, रीगन ने कारोबारी सरमाकारी और सार्फिन के अखराजात को बढ़ाने के लिए बड़ी सतह के ऊपर टैक्स में कमी की, और 1981 का जो इकोनॉमिक रिकवरी टैक्स एक्ट है उसने तमाम तबकात के लिए आमदनी के टैक्स की जो शरहें थी उनको कम कर दिया। ठीक है, देन डीरेगुलेशन, सो रीगन ने जो कारोबारी यानी कारोबारों थे उनके ऊपर सरकारी जवाबित को कम किया ताकि जो आज़ाद मार्केट से उनकी सरगर्मी और उनकी तरक्की को बढ़ाया जा सके। रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, द एडमिनिस्ट्रेशन कट स्पेंडिंग ऑन सोशल प्रोग्राम बिलीविंग दैट अ स्मॉलर गवर्नमेंट वी वुड इनकरेज प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, हाउएवर डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो इसमें जो समाजी तौर पर यानी कि प्रोग्राम थे जैसे सरकारी जवाबित थे उनमें तो कमी आई, यानी कि आज़ाद मार्केट की सरगर्मी में भी कमी आई और तरक्की को बढ़ाने के लिए कोशिशें भी की गई। तो खासतौर पर तवानाई और मालियाती शोबों में हुकूमती अखराजात में कमी आई, इंतजामिया ने समाजी प्रोग्रामों के अखराजात में कमी की यह सोच कर के जो छोटी हुकूमत है वो निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग देगी, लेकिन दिफाई अखराजात में काफ़ी इजाफा हो गया। उसके बाद फोकस ऑन सप्लाई साइड इकोनॉमिक, तो रीगन की जो पॉलिसी थी जैसे कि रेगनोमिक्स, इसको इस पॉलिसी को रेगनोमिक्स भी कहा जाता है, तो इसका मकसद क्या था कि पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जाए जिसमें टैक्सों में कमी और जवाबित में कमी शामिल थी ताकि कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। देन हम उसके इम्पैक्ट को रीगन की पॉलिसियों के असरात को डिस्कस करते हैं। तो मुआशी तरक्की हुई, 1983 तक मईशत में बेहतरी आने लगी थी और इसके अलावा रोजगार के मौके में भी इजाफा हुआ, तरक्की का एक दौर शुरू हुआ। रिड्यूस इन्फ्लेशन, अफरात ज़र में कमी आई, फेडरल रिजर्व की सख्त मालियाती पॉलिसी और रीगन की पॉलिसी ने मिलकर अफरात ज़र को भी कम कर दिया जो कि 1980 की दहाई के वस्त तकरीबन जो है वो 4% तक आ गया था। उसके बाद खसारे में भी कमी आई, यानी कि खसारे के अंदर जो है वो इजाफा हुआ था, हायर डेफिसिट के तरक्की के बावजूद कौमी कर्ज टैक्स आमदनी में कमी और दिफाई अखराजात के बस ये बढ़ गया था जिससे बजट खसारे में इजाफा हुआ। और उसके बाद जो है वो आमदनी में भी अदम मसावात हुई, यानी रीगन के टैक्स में कटौती से ज़्यादा फायदा अमीर जो अमरीकी थे उनको हुआ था जिसके नतीजे में आमदनी में फर्क बढ़ गया। सो जो लॉन्ग टर्म यानी कि इसके इन्फ्लुएंस थे तो रीगन की पॉलिसी ने मुआशी तरक्की को फ़रोग दिया, ठीक है, और अफराती ज़र को कम किया, लेकिन इससे कौमी कर्जे और आमदनी में अदम मसावात में भी इजाफा हुआ और रीगन का मुआशी हुकूमती जो हुकूमत अमली थी उसके ऊपर जोर, अमरीकी मुआशी पॉलिसी और मार्केटों में हुकूमत के किरदार के ऊपर तवील मदती असरात जो है वो मुरतब करता रहा। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, द बुश डॉक्ट्राइन इज द नेम गिवन टू सेट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइंस। बुश डॉक्ट्राइन एक ऐसे सेट ऑफ फॉरेन पॉलिसी रहनुमा जो है वो खतूत का नाम है। सो द बुश डॉक्ट्राइन की फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइंस, यानी कि अहम खारजा पॉलिसी के रहनुमा थे बुश डॉक्ट्राइन,
इनको हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेस्ट डॉक्ट्राइन जो थे वो सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इंतजामिया के दौरान कायम किए गए थे और खाजा पॉलिसी और असूलों के मजमू को यानी कि ये कहा जाता है। और इसके बुनियादी तवज्जो क्या थी, इस डॉक्ट्राइन में मुमकिन खतरात के खिलाफ पेश की कार्रवाइयों के ऊपर जोर दिया गया, खासतौर पर 9/11 के दहशतगर्द हमलों के बाद, ठीक है। और उसके बाद बुश डॉक्ट्राइन के हम अहम असूलों को की प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं, जो कि है प्रीएम्प्टिव एक्शन, प्रमोशन ऑफ द डेमोक्रेसी, यूनिलैटरल एक्शंस एंड एक्सेस ऑफ द इवल कॉन्सेप्ट। तो इस डॉक्ट्राइन ने जो है वो ऐसे ममालिक या गिरोहों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हमायत की जो अमरीकी सलामती के लिए फौरी खतरा समझे जाते थे, खासतौर पर दहशतगर्दी को रोकने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें आलमी सतह के ऊपर जमहूरियत के फैलाव की हमायत भी की गई थी, खासतौर पर मिडल ईस्ट में, ताकि आलमी इस्तेहकाम को फरोग दिया जा सके और दहशतगर्दी को भी कम किया जा सके। और उसके बाद यूनिलैटरल एक्शन है इसमें कि बुश डॉक्ट्राइन के मुताबिक अगर जरूरत महसूस हो तो अमेरिका जो है वो अपनी दिफा के लिए बैन अक्वामी मंजूरी का इंतजार किए बगैर अकेला कार्रवाई कर सकता है। एक्सिस ऑफ इवल कॉन्सेप्ट, तो एक्स ऑफ इवल का कॉन्सेप्ट क्या था कि बुश ने कुछ ममालिक जिस तरह से के इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया और कहा कि अगर उनके पास बड़ी सतह के ऊपर दबाव फैलाने वाले हथियार आ जाते हैं तो दुनिया को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बुश डॉक्ट्राइन, के बुश डॉक्ट्राइन का इतलाक कैसे हुआ। तो अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ 2001, तो अमरीका ने तालिबान हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाई की क्योंकि वो अलकायदा को पनाह दे रही थी, जिसने 9/11 के हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। और उसके बाद इराक जंग हुई, तो ये यकीन करते हुए कि इराक के पास तबाही फैलाने वाले हथियार हैं और वो खतरा पैदा कर सकता है, तो अमरीका ने इराक के ऊपर हमला किया और सदाम हुसैन की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट है कि बुश डॉक्ट्राइन के ऊपर तनकीद की जाती रही और उसके असरात क्या थे। तो कई ममालिक और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इस डॉक्ट्राइन के ऊपर तनकीद की, इसने सफारती हल और इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको नज़रअंदाज कर दिया है। और इसके तवील मदती नतज क्या थे, अफगानिस्तान इराक के ऊपर हमलों ने तवील मददी असर छोड़े, जिससे इन खितों में इंस्टेबिलिटी पैदा हुई और जारी तनाजात को भी यानी कि मजीद इसको आगे बढ़ाया गया और इसने जो तनाजात जारी थे उसको बढ़ाया और नए तनाजात को भी जन्म दिया, ठीक है। उसके बाद अमरीकी पॉलिसी में एक अहम तब्दीली आई कि बुश डॉक्ट्राइन ने अमरीकी खारजा पॉलिसी में एक नया जारहाना अंदाज मुतारिफ कराया, ठीक है, जिसका मकसद खतरात को इससे पहले रोकना था कि वो हकीकत बन सके। तो इट्स इन्फ्लुएंस हैज शेप्ड यूएस रिलेशंस एंड स्ट्रेटजीज इन ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इस डॉक्ट्राइन ने आलमी सलामती के हवाले से अमरीका के तालुकात और हुकूमत अमले के ऊपर देर पर असरात मुरतब किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग डॉलर डिप्लोमेसी एजन हॉवर्ड डॉक्ट्राइन अ यूएस यू टू इंसिडेंट, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है किसी दो पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है कि डॉलर की जो है सफारतकारी, इसकी डिप्लोमेसी को हम डिस्कस कर लेते हैं, को हम डिफाइन करते हैं कि डॉलर डिप्लोमेसी क्या है। तो डॉलर की डिप्लोमेसी जो है खारजा पॉलिसी हिकमत अमली थी, जिसे ज़्यादातर सदर विलियम ब्योरेट टेफेट 1909-1913 उन्होंने अमरीकी माली और तजारती मफादात को बैरून मुल्क फरोग देने के लिए इस्तेमाल किया, खासतौर के ऊपर जो लैटिन अमरीका और मशरकी एशिया के अंदर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था के मुआशी ताकत को इस्तेमाल करते हुए अमरीकी असर रसूख और इस्तेहकाम को हासिल किया जाए और बगैर किसी फौजी मदाखलत के। देन की फीचर्स ऑफ द डॉलर डिप्लोमेसी, फिर डॉलर डिप्लोमेसी की अहम खसूसियात क्या थी, इसकी अहम खसूसियत में था सरमायाकारी और कर्जे, यानी अमरीका ने अमरीकी कारोबारों को गैर मुल्की मईशतों में सरमायाकारी करने की तरगीब दी, ताकि अमरीकी मफादात के मुताबिक असर रसूख और मुआशी इस्तेहकाम को कायम किया जा सके। प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारों का तहफ़ किया गया, अमेरिका की हुकूमत कभी कभार सफारती या फिर फौजी तौर पर मदाखलत करती थी, ताकि जो अमरीकी सरमायाकार हैं और मफादात हैं उनको अगर खतरा लाग हो तो उन्हें तहफ़ फराम किया जा सके। और उसके बाद इसका इम्पेक्ट क्या रहा और इसके ऊपर तनकीद भी की जाती रही डॉलर डिप्लोमेसी के ऊपर, तो इसने अमरीकी इक्तसादी असर रसूख में इजाफा किया, मगर ये अक्सर हदब जो बनने वाले ममालिक थे उनमें नाराजगी की भी वजह बनी। और इसके ऊपर तनकीद की जाती रही कि डॉलर की सफारतकारी जो है यानी कि किसने मकामी आबादी की फलाह बहबूद के मुकाबले में अमरीकी माली मफादात को तरजीह दी है, जिसके नतीजे में बाज खितों के अंदर कशीदगी और इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। और उसके बाद इसमें जो है आयरन हॉवर्ड डॉक्ट्राइन है, तो एजन जो हॉवर्ड डॉक्ट्राइन थी, एजन हॉवर्ड डॉक्ट्राइन क्या थी, एजन हॉवर्ड डॉक्ट्राइन 19
57 में इसका ऐलान किया गया था, और ये एक अमरीकी खारजा पॉलिसी थी जिसका मकसद जो है वो मशरक के वस्ता में कम्युनिज्म के फैलाव को रोकना था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मकसद जो है वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस का मुकाबला करना और किसी भी मशरक वस्ता के मुल्क की मदद करना था जो कम्युनिज्म के खतरे से दो चार था। देन की कंपोनेंट्स ऑफ द डॉक्ट्राइन, फिर इस डॉक्ट्राइन के अहम अज्जा क्या थे, तो फौजी और इक्तसादी इमदाद। इस डॉक्ट्राइन ने कम्युनिज्म के खिलाफ मजामत करने वाले जो मिडल ईस्टर्न थे तो उनके उन ममालिक को अमरीकी फौजी और माली इमदाद फराहम करने का वादा किया। उसके बाद इसने अमरीका को भी ये इख्तियार दिया कि वो बरह रास्त मदाखलत करे अगर कोई मशरक वस्ता का जो मुल्क है वो कम्युनिज्म के असरात के खिलाफ मदद की दरख्वास्त करे। ठीक है, फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन रही और इसके असरात क्या रहे। तो लबनान में मदाखलत हुई 1958 के अंदर, अमरीका ने लबनान में फौजी दस्ते भेजे ताकि इसकी हुकूमत को दाखिली और खारजी कम्युनिस्ट खतरा के खिलाफ हमायत फराहम की जा सके। और उसके बाद फिर जो आयरन बाबर डॉक्ट्राइन ने, यानी कि ये जो डॉक्ट्राइन थी आइजनहावर डॉक्ट्राइन ने मशरक वस्ता में अमरीकी मदाखलत को मुस्तहकम किया जिसने इस खत्ते में अमरीकी सरसों के जो जारी रहने की बुनियाद भी रखी। उसके बाद हम देख लेते हैं U2 इंसिडेंट को, इसका पस मंजर क्या था। तो ये जो वाक़ा था ये जो है 1 मई 1960 को पेश आया था जब एक अमरीकी U2 जो है वो जासूसी त्यारा सोवियत यूनियन के इलाके में जासूसी के मिशन के दौरान सोवियत यूनियन के दिफाई सिस्टम के जरिए मार गिराया गया था। ठीक है, और उसके बाद इस त्यारे का जो पायलट था वो फ्रांस गैरी पाउजर था, सोवियत हुकाम के हाथों वो गिरफ्तार हो गया था जिससे बैन अक्वामी सफारती बहरान पैदा हुआ। सो अब हम इस इंसिडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि क्या नतीजे रहे। तो यूनियन के दरमियान जो है इस इंसिडेंट की वजह से कशीदगी पैदा हुई थी। इस वाक़े ने सारी जंग की कशीदगी में इजाफा किया था क्योंकि इससे अमरीकी जासूसी सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ था और क्लैप्स ऑफ द डिप्लोमेसी के सफारती तालुकात का भी खात्मा हो गया। अ प्लान यूएस सोवियत समिट वाज कैंसल्ड बाय सोवियत प्रीमियर निकिता खोरोशेफ इन रिस्पॉन्स टू डैमेजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो सफारती तालुकात खत्म हो गए। सोवियत वजीर आजम निकिता खोरोशेफ ने इस वाक़े के रद्द अमल में एक अमरीकी सोवियत सरबराह इजलास को मनसूख कर दिया जिससे सफारती तालुकात को शदीद नुकसान पहुंचा। ठीक है, सो इम्पैक्ट क्या रहा अमरीकी पॉलिसी के ऊपर, इसके असरात, तो जासूसी के मामलों में राजदारी के अंदर इजाफा हुआ। ठीक है, इंक्रीज सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इंसिडेंट्स लीड द यूएस टू रिकंसीडर इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स अराउंड एस्पियनेज एक्टिविटीज। तो उसके बाद इस वाक़े के बाद अमरीका ने जासूसी की सरगर्मियों के हवाले से हिफाजती इकदाम के ऊपर दोबारा गौर किया और उन्हें मजीद सख्त किया। ठीक है, और शाद जंग के अंदर जो कि यानी लिगेसी थी, तो U2 जो इंसिडेंट था इसने साद जंग के दौरान अमरीका और सोवियत यूनियन के दरमियान गहरी बेतमादी और हरीफाना तलुकात की ये अलामत बन गया। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ USA पास्ट पेपर 2016 के तमाम क्वेश्चंस को। इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।